और बड़े क्या हाल चाल तुम्हारा भाई एकदम मस्त सेक्सी। तो भाई पाकिस्तान टीम के भाई सीधी बात है हिसाब किताब सही नहीं चल रहे हैं। नहीं मतलब पहले 200 चीज करते हैं फिर उसी के बाद अगले दिन फिर 200 मिलता है, नहीं हो पाता भाई। हम वो वाली काम है जो एक बार काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे फिर लोग हमसे उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि भाई ये दोबारा भी वैसा ही बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन ना भाई हमारा तो टालने वाले कौन ना है, है? हमें सिर्फ एक चीज़ की है कि भाई एक दफ़ा हम करेंगे बहुत अच्छा इतना अच्छा कि भाई सर पे चढ़ा देंगे, उसके बाद ना अपने हाथ पांव खड़े हैं भाई। तो इस काम में हमारी टीम को पीछे रहे भाई, अभी एक बार तो दुख तो कर लिया चीज़ मर मरा के नहीं करा पापा जी, जैसे ना इंग्लैंड को सही पता है कि बेटा बैटिंग इस तरह करते हैं इस तरह मारते हैं। वाह पहले मैच में ना पापा जी सही खेले, जब आया ना दूसरे मैच की बारी तो पापा जी 10 रन एक्स्ट्रा बन गए। पाकिस्तान ने कहा कुछ नहीं पापा जी, पापा राजे मुझे संभाल लेंगे रिजवान साहब, लेकिन उधर से जनाब साहब मार्क वो डाले थे पापा जी, जो पेस बॉलिंग कराई है ना टेस्ट कराई है उसने पापा जी, इतने दिनों बाद फास्ट बॉलिंग देखी, मतलब पाकिस्तान जा रहे थे 150 तक बस, उसने 155 156 की बॉल डाली ना, ओए मैं कह रहा हूँ चुम्मेश मजा कराया उसने, मतलब शौ शौ है वाह, इसे कहते हैं मतलब फास्ट बॉलिंग, मतलब अब तो आम होगा ना 150 145 ये तो आम है बाबा जी, 155 पैसे क्या मैं फास्ट बॉलिंग है, मज़ा कराया बाबा जी उसने, और गेंद नहीं दी पी थी पाकिस्तान के किसी भी बैट्समैन को है ना, रिजवान ना बाबर सारे नंबर वन प्लेयर कोई फ़ायदा ना ही भाई, इसे कहते अगर ये ऑस्ट्रेलिया में होते तो फिर क्या बनती है, फिर तो बाबा जी बेहोश है, ये क्या बनी हमारे साथ है। और खुश दिल शाह भाई सुनने में आ रहा उसकी पर्ची काट दी गई है जनाब साहब वर्ल्ड कप से, और चाचा इफ्तखार भी सुनना है कि वो जा रहे हैं है? और मलिक साहब वापस आ रहे हैं फिर दोबारा है, क्या मतलब कि यार ये भाई इस तरह के चेंजेस करोगे तो कैसे जीतोगे, सीधी बात है भाई ऐसे हिसाब किताब नहीं चलता है। आए मेहरबानी जो प्लेयर सेलेक्ट करे भाई आप लोगों पर दो तवज्जो है, अभी पूरा महीना पड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, ये भाई लास्ट नंबर टाइम पे आके नंबर बदलने वाले हिसाब किताब है ना प्लेयर, हिसाब किताब सही ना भाई, बंदे का कॉन्फिडेंस गिर जावे भाई दोबारा वापस ही वो उठने में उभरने में टाइम लगता, या तो वो सेलेक्ट करो का भाई के पक्के हैं भाई हैं, इस तरह वाला हिसाब किताब ठीक नहीं है प्लेयरों के साथ, मुराल गिर जाएगा उनका है। चाचा इफ्तखार मुझे तो डर लग रहा हो तो रिटायरमेंट ना ले ले हैं यार, इसी नहीं करो यार उन पर ही तवज्जो दो।